इस 2 महीने की मासूम ने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी कि इसके ही पिता ने उसे महज इसलिए बेरहमी से मार दिया कि उसे शक था कि ये बच्चा उसका नहीं है। महज इस शक के आधार पर इसके नाबालिग पिता ने इसे सिगरेट से दागा, इसे पटक पटक के मारा और फिर इसके हाथ पैर तोड़ दिए। इसे इतनी बेरहमी से मारा कि इसकी मौत हो गई। मेरी लड़की ने 1.5 साल पहले शादी करी थी, लव मैरिज, जिसके मतलब हम बिल्कुल फिर बहुत हुए और अब रहने लग गई। तो अब पता चला उसका 2 महीने का बच्चा था, जो आज 2 महीने का हो चुका है। तो मेरी लड़की सुबह काम पे गई थी 11 बजे, और जब वो 3 बजे आई तो पहले तो वो मेरे घर आया, कह रहा है मम्मी गुंजन आई है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं आई है। तो मैंने क्या कहाँ गई, तो उसने ही बोला कि वो काम पे गई है, काम ढूंढ रहे। तो मैंने क्या तू बच्चे को छोड़ के अकेला आ गया यहाँ पे, मैंने कि घर जा तू, बिल्ली बिल्ली ले जाएगी खींच के। तो वो घर वो चला गया। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं नहाने के लिए गई, तो आधे घंटे बाद फ़ोन आता है, तो बोल रही है कि मम्मी के मेरे लड़का खत्म हो गया और ऐसे मारा है उसको, पूरी तरह से मुँह पर मार रखा है, सिगरेट से जला के मार रखा है, हाथ पैर तोड़ रखे हैं चारों, और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, और सिगरेट पटक के मारा है और सिगरेट से जला जला। इस बच्चे के माता और पिता दोनों ही नाबालिग हैं। दोनों ने 1.5 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। इस निर्मम हत्या के बाद भी आरोपी पिता के साथ ही बच्चे के नाना नानी और मां को धमकी दे रहे हैं कि वो मामले को तूल ना दें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं। कहता था कि, हां जी, यूं कहता था कि वो बच्चा मेरा नहीं है, किसी शक के दौर पे उनके घर में थोड़ा चलता था, तो लड़की ने हमें बताया भी नहीं। अब बताया तो अब पता चला। कैसे पता लगा आपको बच्चा खत्म हुआ? मेरी लड़की का फ़ोन आया था, तो मेरी लड़की बोल रही मम्मी आप जल्दी आ जाओ, देखो बाबू को कुछ हो गया है। तो मैंने अपने घर वाले को फ़ोन करा, मैंने कहा एक बार तुम जाओ देखो उधर लड़की गई है प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या हुआ है। तो उधर ये गए तो कह रहे प्राइवेट में नहीं है। मैंने कहा उसका फ़ोन आया कि संजय गांधी है। फिर हम लोग संजय गांधी गए, तो वहाँ जब तक गए तो डॉक्टर ने बोल दिया धमकी भी दे रहा है आपको कोई? हाँ, धमकी भी आ रही है कि मतलब कैस वैस आप इसे ले ले, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो तेरे और दोनों बच्चों को भी कुछ भी कर सकते हैं। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? अब कौन लोग हैं, इनके दोस्त हैं। बाहरी दिल्ली में महज 2 दिन में दूध बुए बच्चे की हत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 20 अप्रैल को अमन विहार इलाके में 7 महीने की बच्चे की हत्या उसी की मां ने बड़ी ही बेरहमी से की थी। अब मां ने अंधविश्वास में हत्या की, तो मंगोलपुरी में 2 महीने की मासूम की हत्या की वजह शक है। समाज में फैले शक और अंधविश्वास ऐसे दूध मुहे बच्चे की बलि ले रहे हैं जिन्होंने रिश्तों को अभी महसूस ही नहीं किया। बहरहाल पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।